किस मजबूरी में मंदोदरी ने देवर विभीषण से शादी की थी। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि राम रावण युद्ध में लंका के राजा रावण की भगवान राम के हाथों बुरी हार हुई थी और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं रावण के मरने के बाद लंका की महारानी मंदोदरी का क्या हुआ था। दोस्तों आज हम इस कहानी में मंदोदरी के बारे में ही बताएंगे। स्वागत है आपका माइथोलॉजी टेल्स में। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मंदोदरी ने विभीषण से शादी क्यों की थी। धर्म ग्रंथों की माने तो रावण की मौत के बाद मंदोदरी ने खुद को लंका के महल में कैद कर लिया था। उन्होंने सभी से सारे संपर्क और संबंध खत्म कर लिए थे। इधर भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया और मंदोदरी को सुझाव दिया कि वो विभीषण से विवाह कर लें। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी है, लेकिन मंदोदरी ने सारे मोह माया को त्याग खुद को सबसे अलग रखना ही सही समझा। इस तरह काफी लंबा समय बीत गया और फिर एक दिन महारानी मंदोदरी को एहसास हुआ कि धार्मिक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना ही इस राज्य के लिए सही होगा। तो इस तरह वो अपने महल की कैद से बाहर निकली और उन्होंने भगवान राम के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने विभीषण से शादी करने को कहा था। वैसे आप ये तो जानते ही हैं कि मंदोदरी रावण के सीता अपहरण और राम से युद्ध के खिलाफ थी। उन्होंने रावण को कई बार इसे लेकर समझाया और आगाह भी किया। वो रावण को हमेशा भविष्य का सच दिखाने की कोशिश करती रहीं। बावजूद इसके रावण ने उनकी कभी बात नहीं मानी। मंदोदरी वास्तव में एक समझदार महारानी थी जो अपने राज्य का भला चाहती थी। हालांकि मंदोदरी के इस व्यक्तित्व की भी एक खास कहानी है। पुराणों की कथा के अनुसार एक बार मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची थी। अप्सरा ने जैसे ही भगवान शिव को देखा उसने उन्हें रिझाने की कोशिश की। जब कुछ समय बाद वहां माता पार्वती पहुंची तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गईं। माता पार्वती ने गुस्से में मथुरा को श्राप दे दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मथुरा को अपनी इस गलती की कीमत चुकानी पड़ी और वो मेंढक बनकर कुएं में कष्ट भरा जीवन जीने लगी। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर मेंढकी मथुरा के कुएं के पास ही असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी की एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। जब मथुरा के श्राप का अंत हुआ तो वो कुएं में ही जोर जोर से रोने लगी। असुर दंपत्ति ने जब मथुरा के रोने की आवाज सुनी तो वो कुएं के पास गए और मथुरा की कहानी सुनकर उसे ही अपनी बेटी मान लिया। इसके बाद मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी हो गया। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण का प्रवेश हुआ। रावण मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने उनके महल पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। इसके बाद रावण ने बिना किसी देरी के मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांग लिया। मायासुर ने जब रावण का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। यहाँ मंदोदरी ने अपने पिता के राज्य की रक्षा के लिए खुद को रावण के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि वो जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।